खबर दौसा से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भडाना पहुंचकर अपने पिता राजेश पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की। पायलट ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। देश और प्रदेश की जनता में उनका नाम गर्व, प्यार और सम्मान से याद किया जाता है। तो वहीं श्रद्धांजलि सभा में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास, सुदयलाल आंजना, रमेश मीना, परसादी लाल मीना, ममता भूपेश, विधायक मुरारी लाल मीना सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जो उनको 20 साल हो गए हैं स्वर्गीय पायलट साहब जब से हमसे जुदा हुए थे, और यहीं दौसा में आज से 2 दशक पहले उनका स्वर्गवास हुआ था एक्सीडेंट में। मुझे भली भांति याद है वो समय, वो दिन, और विश्वास नहीं होता कि इतना लंबा समय बीत गया। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ इस राजस्थान प्रदेश की जनता का, देशवासियों का, आप सब लोगों का, जिन्होंने उस कठिन समय में मेरा साथ दिया और आज लगातार 20 वर्षों तक पूरा आशीर्वाद, स्नेह, सानिध्य मुझे प्राप्त रहा। पायलट साहब के स्वर्गवास होने के बाद जो ताकत मुझे मिली, उसे मैंने पूरा जनता की सेवा में समर्पित करने का काम करने की कोशिश करी है। आज राजेश पायलट जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, दबे कुचले वर्ग की मदद के लिए जो जो कार्य प्रयास किए थे, उनको आगे बढ़ाने का काम, हर कोशिश मेरी यही रहती है। हम चाहे सत्ता में हों, चाहे विपक्ष में हों, चाहे मैं पद पे हूँ या ना हूँ, लेकिन आप सबके सहयोग के साथ उस एकमात्र रास्ते पर चलने की मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के अंदर जगह बना के जाऊँ।